ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि घ्नन्ति ये भुरिदा जनाः। जमलार्जुन का जो स्तव उसका चर्चा हो रहा था, भगवान को दर्शन प्राप्त होकर शार्प मुक्त कुबेर का दो प्रभावी पुत्र नल कुबेर एवं मणिग्रीव जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले जिस उनका अहंकार था, मदगर्भ था, औद्धत्य था, सब परिवर्तित होकर भगवान के एकांत भक्त बन गए। और भक्तों का जो लक्षण है वही साधक का साधन है, इसलिए उनका जो अपना भक्ति का लक्षण बताया वो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए आदर्श स्थानीय है, अनुसरणीय है। तुमने कहा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद का दशम अध्याय एवं 38वां श्लोक 10:10:38 वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनः पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। छह गुणावली बताया, इसमें से हमारा वाणी आपका कथा में नियुक्त रहे, हमारा श्रवण इंद्रिय आपका कथा सुनने में नियुक्त रहे, हमारा हाथ आपका कर्म करते रहे एवं हमारा मन आपको पाद पद्म में रहे, स्थिर रहे, तथा हमारा मस्तक आपको निरंतर प्रणाम करते रहे। ये पंचम स्तुति बनाए, षष्ठ आगे हम चिंता करें। तो पंचम में बताया हमारा मस्तक आपको चारों ओर आपको देखते हुए हमारा सिर झुका रहे। ये हम लोग एक रविंद्र संगीत उद्धृत करते हुए देखा, भक्त प्रार्थना करते हैं, हमार माथा न तो करे दाव है तुम्हार चरण धुलार तले सकल अहंकार है अमर डुबाओ चोखेर जले। अहंकार को नाश करने के लिए हमारा शीर बराबर आपके चरण धूल के नीचे रहे। यहाँ पर भी बता रहा है ये जो पृथ्वी है ये आपका निवास स्थल है, अर्थात पृथ्वी में जो कोई प्राणी है वो सब हमारे प्रणम में है, सबको प्रणाम करते हुए अपना जो अहंकार को जलांजलि देने के प्रयास। वाई दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट एंड गुरुत्वपूर्ण क्वालिटी हमें समझना चाहिए। भगवद गीता में एक चैप्टर है द्विवासुर संपद विभाग योग चैप्टर 16, तो वहाँ पर कहा गया है दो भूतो सर्गो अस्मिन दैव आसुरे वच। दो प्रकार का जीव इस जगत में रहते हैं, दो प्रकार का प्राणी, एक दैवी संपद युक्त, एक आसुरी संपद युक्त।
वन विद डिवाइन क्वालिटीज एंड अदर विद डेमोनिक क्वालिटीज। संसार में देखा जाता है जो दैवी संपद युक्त है वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को चले जाते हैं, जो आसुरी संपद युक्त है वो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। तो इसलिए हमें आसुरी संपद जानना जरूरी है, तो हम जानते हैं जो कुछ नहीं करना है। तो दैवी संपद जो है वो हमारे करणीय है, डूज, और जो आसुरी संपद है हमें नहीं करना चाहिए। तो दैवी संपद पहले ये श्लोक ये अध्याय में 26 दैवी संपद बताया, जो दैवी संपद युक्त तो भक्तों का इतना गुणावली है, जो निराहंकार असंगतम ये पूरा लिस्ट दिया है। फर्स्ट फ्यू वर्सेस अब चैप्टर 16 और बाकी द रिमेनिंग चैप्टर आसुरी भाव को विस्तार में बताया। आसुरी भाग में सबसे प्रधान चीज है अहंकार, इसलिए अहंकार का चर्चा हो रहा है। अहंकार ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। अहंकार ही हमें ईश्वर से फर्क कर देते हैं। भगवान हमारा अत्यंत करीब है, तब भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे और परमात्मा के पीछे अहंकार का प्राचीर है, फिक्टिशियस वर्ल्ड। अहंकार चीज बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, एक वर्चुअल वर्ल्ड, इसका कोई वास्तव में कोई उसका अस्तित्व तो नहीं हो सकता है, काल्पनिक। लेकिन जो भी हो वह हमें भगवान के से अलग कर देते हैं। और वो जो वाल है, वो अहंकार है, वो नाना प्रकार से हमें उसको विभिन्न प्रकार से हमारे सामने उपस्थित होता है। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बताया भगवद गीता में, जो चैप्टर 16 वर्स 18, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्युष्यन्तो अभ्यसूयकाः। ये आसुरी संपद युक्त व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका प्रधान है अहंकार, अभिमान। हमारा पास जो गुणावली है और जो गुणावली नहीं भी है उसके लेकर हमें अभिमान एवं उसके साथ बलम, जो दुर्बल है, पड़ोपीड़ा देने के लिए जो शक्ति वह है बलम, एवं दर्पम प्राइड वैनिटी, जो अच्छे व्यक्ति है उनके खिलाफ जो कुछ करना है वो दर्प युक्त होता है, दर्प से होता है, एवं उसके साथ है काम एवं क्रोध, जो ईश्वर छोड़ के दुनिया में जो कुछ प्राप्ति की इच्छा होता है वो काम का अंतर्गत है। और ईश्वर को पाने के लिए जो इच्छा है वो प्रेम में बोला जाता है। काम और प्रेम तो अलग चीज़ है। जो हमारे व्यक्तिगत सुख पाने के लिए, हमारे शरीर एवं इंद्रिया का सुख पाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो काम का अंतर्गत है। और जब भगवान को सेवा करने के लिए हम सोचते हैं वो प्रेम का अंतर्गत है। तो ये जो काम है वो अपूर्णीय है एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, वरना जो प्रेम है वो चिरंतन है एवं वो हमें अमर बना देते हैं। तो क्राम एवं काम प्रतिहत होने से जो अवस्था होता है उसको क्रोध कहलाता है। तो ये जो मल्टीपल जो हमारे जीवन का जो आसुरी शक्ति वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं।
तो भक्तगण इसीलिए इसको रोकने के लिए, निजे को निराहंकार बनाने के लिए ये प्रणाम का बंदोबस्त किया एवं भगवान के चरणों में उनका आनत भूमिष्ठ प्रणाम सदैव। तो यहाँ पर जो बताया कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ये सब से क्या करते हैं, मामात्मा परदेहेषु, भगवान उनके भीतर भी विराजमान है एवं दूसरे के भीतर भी विराजमान है, लेकिन ये व्यक्ति अहंकार के वशवर्ती होकर भगवान को नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं कि भगवान दूसरे के भीतर भी रह सकता है, हमारे भीतर भी रह सकता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में परिष्कार बताया कि भगवान सबके भीतर विराजमान है, वर्स 18 चैप्टर चैप्टर 18 वर्स 61 लास्ट चैप्टर में 61 वर्स है श्लोक में बताया, ईश्वरा सर्वभूतानाम रिद्धेश्वरी निष्ठति भ्रामायण सर्वभूतानि जंत्ररूढ़ानि माया, ईश्वर प्रत्येक के भीतर विराजमान है, हाई लो नीच मूर्ख ज्ञानी सबके भीतर विदाउट एक्सेप्शन, एवं वही यहाँ पर बैठ के जैसे कि मैकेनिक मशीन चलाते वो इसका बैठ के वो हमें परिचालना कर रहे हैं, ये बताया। लेकिन जो आसुरी संपद व्यक्ति है वो इसको नहीं मानते हैं, ममात्मा परदेहेषु, मैं जी उनके भीतर भी है बाहर है, इसको कोई इग्नोर करते, दरकिनार कर देते, विश्वास नहीं करते एवं न केवल अविश्वास उनका निंदा करते हैं। अभ्यास की वह कहा बताइए यहाँ पर, अर्थात जिसको प्रशंसा करना है उसको निंदा करते हैं, भगवान को प्रशंसनीय है उनके योगदान के लिए, सबको इतना ख्याल रखते हैं, यदि सुष्ठु भाव सब कुछ चला रहे हैं, उसे अगर उससे अधिकार कौन हो सकता है, लेकिन तब भी आसुरी संपद व्यक्ति अहंकार के वशवर्ती होकर भगवान को खिलाफ निंदा करते हैं। तो इसी करके जो इंसान का जो दृष्टिभंगी, इसके लिए वो ईश्वर से बराबर के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा लक्षण ईश्वर प्राप्ति, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ये जो मन का जो इस तरह जो विकार अहंकार बल दर्प काम क्रोध इत्यादि से दूर रहना पड़ेगा, और ये दूर रहने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, कैसे, ताकि हमारा मन सर्वदा भगवान के चरणों में निवास रहे एवं हमारा शीर भगवान का जो जहाँ पर अस्तित्व है वहाँ पर झुका रहे। इसीलिए इसका इतना महत्वपूर्ण उल्लेख किया है, हमारी जो मन की अवस्था है जब तक इसमें ह्यूमिलिटी नहीं आएगा, विनम्रता नहीं आएगा, तब तक उसमें आध्यात्मिक भाव का ग्रहण एवं परिग्रहण एवं परिरक्षण संभव नहीं है। वी कैम शैलो, वी मस्ट इंक्रीज अवर डेप्थ ऑफ डिवोशन, डेप्थ ऑफ डिवोशन तभी होगा जब हम ये जो भक्ति का जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ जो गुणावली है वो हम अपनाएंगे। यहाँ पर जो जमुनार्जुन का जो गुणावली दिया है वो हम अपनाएंगे, देन वी हैव टू रिपीट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। तो जैसे कि यहाँ पर जो जमुनार्जुन का स्तंभ बोला है यहाँ पर वो निरंतर वो पाठ करते रहे, तब हमारा मन ईश्वर केंद्रित हो जाएगा एवं मन से जो ये जो द्विविधा है, मन के भीतर ये संशय है, ये सब से हमें मुक्त करके, मन को उन्मुक्त करके स्वाधीन कर देगा। और ये तभी होगा जब हमारा मन से अहंकार को हम वश में कर पाएंगे, अहंकार तभी वश में होगा जब हमारा शीर भगवान का चरणों में, भगवान का सान्निध्य में। यहाँ पर बताया न केवल भगवान के चरण में, भगवान का जो ये सारे दुनिया
उनका निवास है। सारी दुनिया में उनका उपस्थिति कल्पना करते हुए दुनिया में सब प्राणियों को सम्मान देना, जिसे श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जो भी आते प्रणाम करते, हाथ पर नमस्कार करते, छोटा बड़ा ऊंचा नीच। तो गिरीश चंद्र घोष तज्जुब बन गए, ये सबको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करते। प्रणाम करते जो गिरीश चंद्र घोष प्रणाम वापस कर दिया, जैसे वापस कर दिया श्री रामकृष्ण फिर प्रणाम कर रहे। तो कुछ समय बाद वो हार गए। यही श्री रामकृष्ण ने सिखाया, ये धरती में प्रत्येक व्यक्ति प्रणम्य है। यहाँ पर भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि भगवान की जो प्रत्येक अणु परमाणु आनंद में विभोर है, कारण कि ये हमारे मन को हम अहंकार मुक्त जब कर दिया तब भगवान का सानिध्य हमें उपलब्धि हो जाएगा। दिस इज द प्राइज वी गेट बाय सेक्रीफाइजिंग आवर ईगो फॉर सेंशुअल एंड्स। ये जब होगा तब हम आदर्श भक्त बन जाएंगे एवं वो भक्ति, भगवान का भक्ति प्राप्त करके वो हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन कर देगा। ये प्रसंग हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे, आज इतना तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री राम कृष्ण देव के सप्ताहवती जयंती में चतुर्थ दिवस का कार्यक्रम यथारीति सुबह में 9 बजे से भक्ति गीत परिवेषित करेंगे। कानपुर से आए हुए श्री अशोक मुखर्जी एवं तबले में संगत करेंगे लखनऊ के शुभम राज। एवं शाम को आज भगवत कथा का तृतीय दिवस यानी कल्मिनेशन, स्वामी गुणेशानंद जी आए हुए हैं एवं आज कपिल देवाहुति संवाद के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के अनुसार, जो कि यूट्यूब के चैनल पर हमें प्रचारित होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।